पिछली क्लास में आप लोगों को ये बताया गया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और जो आपका रॉल्स लॉ है, इस रॉल्स लॉ को लेकर आपकी एनसीईआरटी में 3 से 4 न्यूमेरिकल जो हम आज खत्म करेंगे, उससे पहले एक टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे जो कि है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। आप लोगों को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, ध्यान से सुन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर, लिक्विड का कैसा नेचर है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। ये प्रॉपर्टी मात्र किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो यही हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, हमारे सिलेबस में 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। हमारे सिलेबस में, हमारी एनसीईआरटी में, हमें 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें से जो सबसे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनना, माल कि मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर एके मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर क्या है, एके मॉलिक्यूल्स। दूसरा कंटेनर, उसके अंदर बी के मॉलिक्यूल्स। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा बनेगा ए बी, ए बी और ए, मतलब कि इनिशियली मेरे पास सिर्फ ए वाला कंटेनर था, बी वाला कंटेनर था। जब मैंने उन दोनों को मिलाया, मान लो इसकी वॉल्यूम थी वी वन, इसकी वॉल्यूम थी वी टू, इसकी वॉल्यूम हो गई वी फाइनल। कंटेनर वन की वॉल्यूम कितनी है वी वन, कंटेनर टू की वॉल्यूम कितनी है वी टू, और जो फाइनल जब उन दोनों को मिला दिया तब जो वॉल्यूम बनी उसको मैंने क्या नाम दिया, वी फाइनल। तो जब ये दोनों कंटेनर या फिर कहें दोनों लिक्विड को मिक्स करते हैं, जब कंटेनर ए के लिक्विड को कंटेनर बी के लिक्विड से मिलाएंगे, तो जब वो दोनों मिलेंगे तो वहां से निकलती है हीट। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो क्या पता आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि वेन एवर टू लिक्विड्स आर मिक्सड विद ईच अदर इज रिलीज्ड हीट और हीट एब्जॉर्ब होती है। ये तो नॉर्मल सी बात, जब भी आप किसी दो लिक्विड को मिलाओगे तो हीट क्या निकलेगी, हीट निकलेगी वहां से। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है, हम वो समझते हैं, भी एक एक करके समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन हमारा कैसा सॉल्यूशन होता। एक पीएम है, हां जी। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी दो लिक्विड को मिलाते हैं तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ये एक सिंगल चेंज नहीं होता है जब भी हम किसी दो लिक्विड को मिलाते हैं, वहां पर और भी चेंज होते हैं। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, चेंजेस डेट अकर्स वेन लिक्विड मिक्स्ड विथ ईच अदर। जब भी हम किसी लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो उसकी क्या क्या चेंजेस पड़ते हैं, ध्यान से सुन। जब भी हम किसी दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं तो जो सबसे पहला चेंज होता है, दैट इज द चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, जो सबसे पहला चेंज रहता है वो रहता है हमारा वॉल्यूम में चेंज। अब वॉल्यूम में चेंज कैसे होता है तो ध्यान से सुन। आपको पता है कि आप लिक्विड ए को ले रहे हो, मान लो उसकी वॉल्यूम 1 लीटर,
लिक्विड बी को ले रहे हो, मान लो उसकी वॉल्यूम 2 लीटर, तो जब आप ए को बी से मिलाओगे, 1 लीटर को 2 लीटर से मिलाओगे, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने किया था, जब कंटेनर ए को कंटेनर बी से मिलाया, कंटेनर ए की वॉल्यूम को मान लो मैंने मान लिया V1, कंटेनर बी की वॉल्यूम को मैंने क्या मान लिया V2, और जो फाइनल कंटेनर जिसमें मैंने दोनों को मिलाया उसको मैंने क्या मान लिया, V5। तो जो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा मेरा V final minus V1 plus V2, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है उसे मैं क्या कहता हूं, V final minus V1 plus V2। सेकेंड पॉइंट, जो मेरा ये कंटेनर था ए और ये जो मेरा कंटेनर था बी, इसके अंदर थे ए के मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर थे बी के मॉलिक्यूल्स। अब मुझे इतना पता है, अगर मैंने क्लास 9th में मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ी हो, कि मैटर की एक प्रॉपर्टी थी कि मोटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते। 3 प्रॉपर्टीज थी मैटर की, कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम, कंटिन्यूसली मूविंग, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एक तरह के क्या हुए, मैटर हुए। तो मैटर हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहां पर ए ए इंटरेक्शन है। ए ए इंटरेक्शन से क्या मतलब, ए का मॉलिक्यूल ए को ही खींच रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो मेरा क्या हुआ, ए ए इंटरेक्शन। यहां पर बी का मॉलिक्यूल बी को खींच रहा है, तो यहां पर क्या होगा, बी बी इंटरेक्शन। और जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, फाइनल में जो चीजें बनेंगी, ए और बी दोनों का मॉलिक्यूल होगा, वहां पर ए और बी दोनों का मॉलिक्यूल होगा, यहां पर ए की इंटरेक्शंस भी होंगी, बी की इंटरेक्शंस भी होंगी, और ए और बी दोनों की इंटरेक्शंस, यानी फाइनल में ए का मॉलिक्यूल ए को भी खींच रहा होगा, बी का मॉलिक्यूल बी को भी खींच रहा होगा, और ए का मॉलिक्यूल बी को भी खींच रहा होगा, क्योंकि इस कंटेनर में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो क्या हुआ कि जब भी हम किसी दो लिक्विड को मिलाते हैं, तो सबसे पहला जो चेंज रहता है वो रहता है हमारा किसमें, वॉल्यूम में, दैट इज वी फाइनल माइनस वी वन प्लस वी टू। तो सेकेंड चेंज आता है, दैट इज इन द चेंज ऑफ इंटरेक्शंस। इनिशियली जो इंटरेक्शन में चेंज आता है वो रहता है हमारा ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन, और बाद में आता है ए और बी दोनों की इंटरेक्शन आ जाती है। क्या क्लियर हुआ यहां तक? तो इंटरेक्शन में क्या चेंज आया, इनिशियली ए का मॉलिक्यूल सिर्फ ए को खींच रहा था, बी का मॉलिक्यूल बी को खींच रहा था, लेकिन फाइनल वाले में ए का मॉलिक्यूल बी वाले को भी खींचने लगा है। अब थर्ड चेंज देखेंगे, थर्ड चेंज कुछ सिंपल सा ही है। जब भी हम किसी दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, तो बेटा उसकी इंथैल्पी में भी चेंज आता है, चेंज इन इंथैल्पी। क्या पता उसकी इंथैल्पी पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो गई हो, क्या पता नेगेटिव हो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, इस तरह से इंथैल्पी में भी चेंज आ जाता। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ लिक्विड। फिर हमने देखा कि जब भी हम किसी दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, उसकी एंथैल्पी में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, इंट्रैक्शन में चेंज आता है, और जब लिक्विड्स को मिलाते हैं तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। सॉल्यूशंस हमने दो तरह के पढ़े, आइडियल एंड नॉन आइडियल। अब हम एक एक सॉल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन हम उठा रहे हैं आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन ध्यान से समझना, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन
आइडियल का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना उनको देखो वो हमारा आइडियल है, वो देखो हमारा आइडियल है, आइडियल मतलब एक ऐसा बंदा या फिर एक ऐसी चीज जो हर कंडीशन में बिल्कुल सही रूट पर चले, हर कंडीशन में सही रूट पर चल रही हो वो हमारी क्या कहलाती है, आइडियल चीज। जैसे हम बोलते हैं कि वो आइडियल है हमारा, मतलब वो मेरा प्रतीक है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मतलब हमारे लिए वो एक तरह से सही है। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि हर कंडीशन में, रॉल्स लॉ को क्या करे, फॉलो करे। एक आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो एनी कंडीशन पे रॉल्स लॉ को क्या करे, फॉलो करे। डेफिनेशन देखे थे, सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कंडीशन, हर कंडीशन पे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी भैया। A solution which follow Raoult's law, all condition का हम कह सकते हैं, at all concentration and temperature, these two are the conditions। कि मतलब कोई भी concentration दे दो, कोई भी temperature दे दो, अगर वो solution Raoult's law को follow कर रहा है तो वो मेरा क्या होगा, ideal solution। अब इसे कुछ और terms हम देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन भी होता है जिसका टोटल प्रेशर, जिसका जो टोटल प्रेशर है, जो ए और बी, अगर मेरे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए लिक्विड बी, लिक्विड ए का जो प्रेशर है और लिक्विड बी का जो प्रेशर है, अगर उन दोनों को मिला दें और अगर वो टोटल प्रेशर के बराबर आ जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। बेटा ये जो होता है ना, ये टोटल प्रेशर, ये हमें मिलता है एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। और ये जो हम निकालते हैं ये कैलकुलेशन होती है फ्रॉम रॉल्स लॉ। अगर रॉल्स लॉ से हमने जो कैलकुलेशन करके प्रेशर निकाला है, अगर वो एक्सपेरिमेंट के निकाले हुए प्रेशर से बराबर आ जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? कहने का मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट से प्रेशर निकाला है, अगर वो रॉल्स लेके निकाले गए प्रेशर के बराबर आ गया तो वो मेरा सॉल्यूशन कौन सा कराएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? ध्यान से सेकंड पॉइंट भी देखने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन का। एक आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब हम ए लिक्विड को बी लिक्विड से मिक्स करें तो जो मिक्स करने पर जो वॉल्यूम है अगर वो फाइनल वॉल्यूम से मैच कर जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। ठीक, तीसरी डेफिनेशन दिखाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन भी होता है अगर इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करूं, तो मेरी जो ए के बीच में इंटरेक्शन है अगर वो बीबी के बीच में बराबर में आ रही है, यानी ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है अगर वो बराबर आ जाए बी बी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, और अगर वो भी बराबर आ जाए ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, तो ये मेरा सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब इनिशियली कंटेनर ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, कंटेनर बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, अगर वो फाइनल इंटरेक्शन के बराबर आ जाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? चौथा पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन मेरा ऐसा सॉल्यूशन भी होता है जिसमें जो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
क्लियर हुआ? अब आता है कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने पढ़ ली कि आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हर कंसंट्रेशन पे, हर टेम्परेचर पे रॉल्स लॉ को क्या करे, फॉलो करे। इसकी डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, इंट्रैक्शन सबकी बराबर होती है, वॉल्यूम चेंज जीरो होता है। अब इसका हम देखने वाले हैं ग्राफ। ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है बोर्ड में कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो ये क्वेश्चन आता है, दूसरा दो नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक तो आइडियल सॉल्यूशन क्या आता है ये बताइए, दूसरा ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बना के दिखाइए। रिपीटेड क्वेश्चन रहता है बोर्ड में। अब ध्यान से सुनो, इस ग्राफ को बनाने के लिए जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से मैंने दो लाइनें खींची, मैंने इस पॉइंट पर लिया, मान लो ये पॉइंट मेरा है कंटेनर ए का, ये मेरा पॉइंट क्या है कंटेनर ए का, कंटेनर ए के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो अगर मैं निकालूं, कंटेनर ए के अंदर बी के मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं होंगे, तो मोल बी का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा जीरो। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है तो इसके अकॉर्डिंग जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू वन, ये मैंने क्लास इलेवेंथ में पढ़ी है, बी की वैल्यू जीरो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर? यहां तक समझ में आया? हाँ जी। ये मेरा कंटेनर ए जो है, मान लो इस पॉइंट पर मैंने लिया कंटेनर ए को, कंटेनर ए के अंदर ए के मॉलिक्यूल ही होंगे, बी के मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, तो बी के मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया जीरो, और ए का मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन हो गया वन। अब देखो, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने बी, यहां पर मतलब बी के कंटेनर, तो यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा जीरो और बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा वन, क्योंकि कंटेनर बी के अंदर सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स नहीं। अब देखो ध्यान से, ये ग्राफ बन रहा है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है ये, दिस इज द ग्राफ। अगर पेपर में पूछे कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो किसके किसके बीच में बनता है, तो आप बताएंगे वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में किसका ग्राफ बनता है, आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझना, कंटेनर ए के अंदर जो वेपर प्रेशर ऑफ ए सबसे ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर क्या होगा एकदम जीरो, कंटेनर बी के अंदर बी का वेपर प्रेशर क्या होगा हाई, ए का प्रेशर क्या होगा जीरो। यहां पर देख, यहां पर ए का प्रेशर सबसे कम, सॉरी ए का प्रेशर सबसे ज्यादा। हाँ जी भैया, एक बार फिर से करना, ये देखो एक बार थोड़ा सा पीछे करके बताना जब आपने ऊपर पॉइंट लगाया। हाँ, दोबारा से पॉइंट वाला समझा रहे। यहाँ पर कंटेनर ए है, तो कंटेनर ए के अंदर सिर्फ ए का ही वेपर प्रेशर होगा और ए का वेपर प्रेशर ही सबसे ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर क्या होगा जीरो, ये जीरो, ये ए का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। कंटेनर बी के अंदर ए का वेपर प्रेशर सबसे जीरो, ए के मॉलिक्यूल्स नहीं है, और बी का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। ये आप इसके बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नीचे लेकर दिखाया गया है तो हम नीचे लेकर बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर देखो ए का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है यहां पर और बी का वेपर प्रेशर सबसे कम। ए का वेपर प्रेशर यहां पे सबसे ज्यादा और यहां पर क्या हो गया सबसे कम, यहां पर बी का वेपर प्रेशर जीरो, यहां पर क्या हो गया सबसे ज्यादा। ये समझ में आया? हाँ जी भैया। ठीक, यहां पर ए का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, यहां पर हो गया जीरो, यहां पर एक बी का वेपर प्रेशर जीरो और यहां पर क्या हो गया वन, तो इन दोनों को मिला दोगे, फिर ये जो लाइन जोड़ेगी, ये जो आपकी जा रही है दैट इज द पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, ए का वेपर प्रेशर,
ये जो लाइन है ये आपका बी का वेपर प्रेशर, पी नॉट बी जीटा बी, और ये जो लाइन है ये वाली दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट बी जीटा। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है? जो ऊपर लिखा है ये है हमारा टोटल वेपर प्रेशर, दोबारा लिख देते हैं। अच्छा, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट बी जीटा बी, यही तो होता है हमारा टोटल वेपर प्रेशर, ये लाइन जो इंडिकेट करेगा। क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अब हम देखने वाले हैं कुछ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, जो क्या पता आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, तो ध्यान से सुनना। एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, सबसे पहला एग्जांपल है एन हेक्सेन एन ऑक्टेन, ये भी आपका नॉन पोलर, ये भी आपका नॉन पोलर। पता है हमें नॉर्मल हेक्सेन भी नॉन पोलर होता है और नॉर्मल ऑक्टेन भी नॉन पोलर होता है। तो जब नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर मिलेगा तो सिस्टम क्या बन जाएगा, इजीली मिसिबल लिक्विड हो जाएंगे, क्योंकि नॉन पोलर को क्या मिल रहा है, नॉन पोलर। दूसरा इसका एग्जांपल देखेंगे, दैट इज C2H5Cl एंड C2H5Br, ये सेकेंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखेंगे CH3OH करना, क्योंकि इससे फिर रोटेट। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है इसका ग्राफ हमने आज देखा। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नोट्स प्रॉपर बनाना, मैं अभी आपको नोट्स सेंड कर देता हूँ। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं आपको वो भी करने हैं सिंह से। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब हम नए क्वेश्चंस कर रहे हैं और नया टॉपिक कर रहे हैं। तब तक के लिए ओके ओके भैया।